गुरु नानक देव जी, जो भी सिख बरादरी के अलावा इनका फलसफा पढ़ता है तो ये दो चीजें सामने आती है। इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों को इकट्ठा करने की बात करते हैं। करतारपुर और उसके मज़ाफात के बासियों को मेरा प्यार और मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। तमाम पंजाबी भाइयों को सत श्री अकाल। वगैरह और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आप इस दरवाजे से अंदर एंटर होंगे। अगर आप करतारपुर आने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ अपने माइंड में रख लें कि ख्वारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो कहाँ पे है? हम लोग साढ़े ग्यारह बजे के आए हुए हैं और लाइन जो है, जैसे मेरी तरह अगर किसी ने आना है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लग के फिर वहाँ से पास लेने हैं। पास लेने के बाद आपने सिक्योरिटी चेक करवाना है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद फिर आपने ये कार्ड जो है ये बन आपको 200 रुपीज़ साथ लाना है और एक अपना CNIC कार्ड, वो ज़रूरी है। उसके बगैर एंट्रेंस नहीं है, आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको हर सूरत में साथ ले कर आना है। हाँ, एक और बात है कि हम लोग अभी 7-8 चेक पोस्ट क्रॉस करके फिर अंदर आए हैं और हर जगह पे हमें रेंजर्स ने रोका है, इसलिए कि हमारे हाथ में कैमरा था और हर बंदा यही कह रहा है यार कैमरा यहाँ पे अलाउ नहीं है। लेकिन ये है कि हमें परमिशन पूछते ज़रूर थे लेकिन लाने दिया, और जबकि आपको पता है कैमरे से ही बन रही है। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लंगर में क्या क्या है। तो मेरे साथ, मैं आपको शुरू में बताने ही भूल गया कि मेरे साथ कौन आया हुआ है। मेरे साथ हैं जी, ये इधर आना, मेरे साथ हैं ये फाहद साहब आए हुए हैं जी। के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हैं, जो भी यहाँ पे आते हैं हमारे सरदार यात्री या पाकिस्तान से देखने के लिए, उनके लिए इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहब श्री गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त धरती करतारपुर साहब अज सानू आने का मौका मिलया। असी तह दिलों धन्यवाद करते हैं वजीरे आजम इमरान खान ते साडे नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने सानू इत्थे आने का मौका दिता।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सबसे पहले हमारी तरफ से पाकिस्तान आवाम को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ यहाँ पर आकर, बहुत प्यार मिला है मुस्लिम भाइयों से, बहुत प्यार मिला है हमें। हम इमरान खान साहब के धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा मौका दिया। एक बात जो मेरे और आपके जहनों में बहुत देर से गर्दिश करती है, अक्सर हम दोस्तों के साथ जब होते हैं तो डिस्कशन चलती है कि यार ये जो हमारे सरदार भाई हैं इन्होंने अपने साथ अपने यहाँ पे एक खंजर लटकाया होता है, और उस खंजर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको क्या कहते हैं? अपने जितने भी तमाम भाई बहन जो देख जो हमारा चैनल जो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इसको कृपान बोलते हैं, कृपा प्लस आन, दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं, उनको मिलाकर बनता है कृपा प्लस आन। तो किसी मजदूर पर दया करने के लिए, कृपा करने के लिए ये कृपान है, प्लस आन उसकी आन बान शान को कायम रखने के लिए ये कृपान दी गई है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। इसका ये मकसद है किसी मजदूर पर अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, उस जुर्म उसके साथ खड़ने के लिए, उसके साथ उसका साथ देने के लिए ये कृपान हमें दी गई है। ओके जी, तो अब टाइम हो चुका है 4 का और हम 4 बज चुके हैं। अब हम निकलेंगे घर की तरफ, क्यों हम चाह रहे हैं कि शाम होने से पहले पहले हम घर पहुंच जाएं। और आपको बताना ये है कि ये मोबाइल की फुटेज आप देख रहे हैं, कैमरे की बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थक गया हूँ, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, बहुत बड़ा है ना इसलिए चलना बहुत पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।